हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज में हम सॉल्व करेंगे मौर्य उत्तरकाल पोस्ट मॉडर्न पीरियड से जुड़े हुए कुछ अन्य टॉप प्रीवियस के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पार्ट टू लिखा हुआ है, हमने ऑलरेडी पार्ट वन डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो साथ में आप उस सीरीज को भी देख लेना, जिससे कि आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड से जुड़े हुए अभी तक जितने भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा किए गए हैं वो आपके रिविजन हो जाए, साथ ही साथ आपके इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड, जैसा कि सामने क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन के राइट हैंड साइड पे हमें ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन किस आयोग के द्वारा और किस ईयर में पूछा गया है, ये आप साथ में देखते हुए चलना। और साथ ही साथ जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते हुए चलना। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था। तो देखिए कौन है वो, पुष्यमित्र, दुष्यंत, बृहस्पतिमित्र, अग्निमित्र। तो बताइए वो कौन सा शुंग शासक था जिसने महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया था। तो देखिए हमारा आंसर है अग्निमित्र। फ्रेंड, अग्निमित्र को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक मालविकानमित्रम में नायक के रूप में दिखाया था और उसमें मालविका और अग्निमित्र, मालविका जो थी वो अग्निमित्र की मुख्य रानी की नौकरानी थी, उन्हीं के साथ इनके प्रेम संबंधों के बारे में दिखाया गया है। कौन से नाटक में, मालविकानमित्रम, यानी कि मालविका और अग्निमित्र के जो प्रेम कहानी है, जो प्रेम संबंध है उनके बारे में ये नाटक इसके द्वारा लिखा गया था, महाकवि कालिदास के। महाकवि कालिदास जो थे वो कौन थे ये भी ध्यान रखिए कि किसके समकालीन थे। तो महाकवि कालिदास जो थे वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, नौ रत्नों में से एक थे। इन्होंने ही मालविकानमित्रम नामक नाटक की रचना किया जिसके नायक के रूप में अग्निमित्र और नायिका के रूप में मालविका थी। बात करें अग्निमित्र की, फ्रेंड, अग्निमित्र जो थे वो शुंग वंश के संस्थापक जो कि पुष्यमित्र शुंग थे उनके ये पुत्र थे और ये उस समय अवंती या फिर विदिशा के उप राजा या गवर्नर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। प्रश्न है कि कौन से शासक ने छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था का उन्होंने रक्षा किया, उसको व्यवस्थित किया। तो वो कौन सा शासक था, पुष्यमित्र शुंग था, खारवेल थे, गौतमी पुत्र सत्कर्णी थे या फिर वासुदेव थे। तो बताइए हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सत्कर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था की रक्षा किया और साथ ही साथ वर्ण संकर प्रथा पर रोक लगाई। और इन सब बातों की जानकारी जो हमें मिलती है वो गौतमी बलश्री के जो नासिक अभिलेख है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती। गौतमी बलश्री जो कि सत्कर्णी की माता थी, और ये भी ध्यान रखिएगा सत्कर्णी सातवाहन वंश का प्रथम शासक था जिसने अपने नाम के आगे माता का नाम लगवाया था। चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सातवाहन शासक जो थे वो मात्र सत्तात्मक हुआ करते थे, यानी कि अपने नाम के आगे माता का नाम लगाया करते थे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा जो उनका पद था, यानी कि जो राजा का पद था वो पितृसत्तात्मक था। राजा जो थे वो देखा जाए पुरुष वर्ग ही हुआ करते थे, महिलाओं का शासन प्रशासन में कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन जो नाम था वो माता का नाम लगाते थे। और इसकी शुरुआत किसने किया था, सत्कर्णी ने। इनकी माता कौन सी थी, गौतमी बलश्री, जिनका अभिलेख था नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में सत्कर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है और साथ ही साथ ये जो इनको अद्वितीय ब्राह्मण एकरा ब्राह्मण, ठीक है, या ये सारी बातें की गई हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे देखिए पुष्यमित्र शुंग, जो कि पुष्यमित्र शुंग हमने देखा शुंग वंश का संस्थापक था और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति जिसकी हत्या किसने किया था, वासुदेव ने किया था। और किस वंश की स्थापना किया था, कर वंश की स्थापना किया था। खारवेल, फ्रेंड, खारवेल जो कि चेदी वंश के शासक थे, कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था। फ्रेंड, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस, हमने क्लास में भी डिस्कस किया कि मौर्यों के अंतिम समय में किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगता है। जब मौर्य सत्ता कमजोर होने लगती है, केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगती है, तो विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है, जिसके क्रम में हमने देखा कि कई क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी वो आपस में संघर्ष कर रही होती थी, जो एक अनुकूल परिस्थिति, एक अनुकूल वातावरण बना रही थी किसके लिए, बाहरी शक्तियों का, जो कि भारत में प्रवेश करें। इन्हीं अनुकूल
वातावरण, यानी कि जब हम दो लोग आपस में लड़ रहे होते तो बाहर के लोग आने लगते हैं ना हमारे घर में, उसी तरीके से जब क्षेत्रीय शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही थी तो विभिन्न बाहरी शक्तियां भी भारत में प्रवेश की। उसी क्रम में देखा जाए जो पहली भारतीय जो पहली जो विदेशी शक्ति थी जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार किया, तो वो कौन थी? बैक्ट्रियन ग्रीक थी, कुषाण थी, शक थी, हुण थी। तो बताइए हमारा आंसर क्या है? जो मौर्यों के पश्चात जो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अधिकार किया था, किसने? बैक्ट्रियन ग्रीक ने। ठीक है, बैक्ट्रियन ग्रीक ने भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अधिकार किया। और यहाँ का जो शासक जो पहला शासक था वो कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने लगभग 183 पूर्व में यहाँ पे उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार किया और अपनी जो राजधानी बनाई वो कौन थी? शाकल थी, जिसको श्यालकोट के नाम से जानते हैं। तो शाकल को अपनी राजधानी बनाकर उसने अपनी सत्ता स्थापित की। और बैक्ट्रियन ग्रीक के बाद करें तो बैक्ट्रियन ग्रीक के बाद देखा जाए तो पार्थियन, जिन्हें पल्लव के नाम से जानते हैं, फिर उसके बाद शक और फिर उसके बाद कुषाण। ये विभिन्न विदेशी शक्तियाँ भारत के भूमि पर आती हैं और इनका बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में योगदान भी रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द का किस अर्थ में प्रयुक्त था? तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो यवन प्रिय शब्द था वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ? काली मिर्च, लोहा, सूती वस्त्र, नीर। तो देखा जाए हमारा जो आंसर है, यवन प्रिय शब्द जो है वो काली मिर्च के लिए प्रयुक्त हुआ था। फ्रेंड, काली मिर्च जो की थी वो पश्चिमी देशों में बहुत ही ज़्यादा इसकी भारी मांग थी, बहुत लोग इसको पसंद करते थे। काली मिर्च को बहुत ज़्यादा इसकी मांग होती थी, इसीलिए इस गोल मिर्च को या फिर काली मिर्च को यवन प्रिय नाम से संबोधित किया गया, क्योंकि यवन के लोग इसकी ज़्यादा काफ़ी मांग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, कृषि हेतु राज्य की चिंता का किस पुरातात्विक अभिलेख में प्रमाण मिलता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो राज्य की चिंता है कृषि के प्रति, क्योंकि कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत होता है, उसके प्रति जो चिंता दिखाया गया है वो किस अभिलेख में हमें इस बात का प्रमाण मिलता है? तो देखिए, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में, थोली अभिलेख में, स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में देखा जाए। तो ये IAS में क्वेश्चन आया था, 1992 में आया था। तो देखा जाए कृषि हेतु राज्य की चिंता का जो हमें अभिलेखीय प्रमाण मिलता है वो मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। बहुत इंपॉर्टेंट ये अभिलेख है फ्रेंड, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया, खारवेल जो कलिंग के चेदी वंश के शासक थे, और इनका जो हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि उदयगिरी की पहाड़ियों से हमें मिलता है, और इसमें कृषि हेतु राज्य की चिंता के अतिरिक्त अन्य बातों का जो हमें जानकारी मिलती है वो देखी मिलती है कि नंद वंश के शासक के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाने की जानकारी भी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। और ये नहर का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण भी है, नहर खुदवाए जाने का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण भी क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। दूसरी जानकारी मिलती है कि जैनों लोगों को या जैन धर्म के लोगों को जो भूमि दान देने का जो हमें प्रमाण मिलता है वो भी किससे मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। क्योंकि खारवेल जो था ना वो जैन धर्म का संरक्षक था, जैन धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था, और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से ही हमें जैन धर्म के लोगों को जो भूमि दान देने की हमें प्रमाण मिलता है वो इसी से मिलता है। और अगर प्रश्न आए कि जो ब्राह्मणों और बौद्धों को जो भूमि दान देने का प्रमाण मिलता था किससे मिलता था? नानाघाट अभिलेख से, जो कि नागानिका का था। ठीक है, सप्तकर्णी के जो थे वो नागानिका के अभिलेख से हमें, जो नानाघाट अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, और हाथी गुम्फा अभिलेख से जैन धर्म के लोगों को। तो हमें क्या क्या मिल गया? एक तो नहर खुदवाए जाने का प्रथम प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख से, कृषि हेतु राज्य की चिंता हाथी गुम्फा अभिलेख से, और तीसरा हमें जैन धर्म के लोगों को भूमि दान दिए जाने का जो हमें जानकारी मिलती है वो भी हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख जो था फ्रेंड, ये बिना तिथि का अभिलेख था, और इससे हमें खारवेल के भी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का, यानी कि जैसे उसके बचपन के बारे में, उसके राज्याभिषेक के बारे में, उसके राज्यकाल के भी बारे में हमें जानकारी देता है। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। अन्य अभिलेख में यहाँ पे दिए उसके भी बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे ऐहोल अभिलेख। फ्रेंड, ऐहोल अभिलेख जो है रवि कीर्ति के द्वारा लिखित संस्कृत भाषा का अभिलेख है, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ लिखी हैं। फ्रेंड, पुलकेशिन द्वितीय यानी कि जो चालुक्य वंश का शासक था उसके बारे में, ये पुलकेशिन द्वितीय वही है जिसने आपका पुष्यभूति वंश का जो शासक था हर्ष था उसको नर्मदा नदी के तट पे हराए जाने के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो हमें किससे मिलता है? ऐहोल अभिलेख से। धोली अभिलेख फ्रेंड, ये आपका अशोक का अभिलेख था जो कि आपका पूरी उड़ीसा से प्राप्त होता है। स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से फ्रेंड, स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें
स्कंद गुप्त के द्वारा सुदर्शन झील में, जो सुदर्शन झील है जिसके बारे में हमें रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, तो गिरनार में जो सुदर्शन झील का मरम्मत कराए जाने की जानकारी हमें स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, और साथ ही साथ स्कंद गुप्त के द्वारा किस तरीके से हुड़ों को पराजित किया गया था वो हमें जानकारी मिलती है। जैसा कि गुप्त शासकों में स्कंद गुप्त के समय हुड़ों का आक्रमण बहुत होता है, और स्कंद गुप्त के द्वारा जो हुड़ों को पराजित किया जाता है उसकी जानकारी भी हमें स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। तो हमने देखिए लगभग सारी चीज़ों के बारे में एक ही जगह पर डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसमाए किसके थे। देखिए इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ पिछले में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट था, यहीं पे क्लियर कर देते हैं। तो देखिए जाए, महाभाष्य के जो लेखक थे पतंजलि, वो समसामयिक थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के। तो देखा जाए जो पतंजलि थे वो थे पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे, और इनकी जो रचना थी महाभाष्य ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पे टीका थी। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा जो कि व्याकरण ग्रंथ था उस पर टीका लिखा था महाभाष्य के रूप में किसने, पतंजलि ने। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और बात करें पाणिनि का फ्रेंड, पाणिनि तो फ्रेंड पाणिनि जो थे वह महापद्मनंद के मित्र थे, तो पाणिनि बहुत पहले के थे, ठीक है। और पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, उनके दरबार में थे, और इन्होंने महाभाष्य पे महाभाष्य की रचना किया, और महाभाष्य जो थे वो पाणिनि के अष्टाध्यायी पे टीका था। ये ध्यान रखिएगा, पहले भी क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज थे इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर की, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, विक्रम एवं शक सम्मतों में कितना अंतर है। फ्रेंड जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, विक्रम सम्मत हमें पता है कि जो कि 57 ईस्वी पूर्व के समय का था, ईस्वी पूर्व ये भी ध्यान रखिएगा, ईस्वी पूर्व ये माइनस में चला जाता है, और आपका शक सम्मत जो कि 78 कुषाण वंश का शासक कनिष्क के द्वारा जब अपना राज्याभिषेक किया गया था उसी समय क्या किया गया था, शक सम्मत जारी किया गया था, और ये ईस्वी का है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे ना तो हमें इन दोनों का अंतर मिल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम सम्मत एवं शक सम्मतों के वर्षों में जो अंतर है वो कितना है, 135 वर्ष का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साहित्य साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो देखा जब जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, इसके जो लेखक अज्ञात लेखक है, हमें नाम के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, और इस साहित्य में जिस भारत के जिस विषय पर प्रकाश डाला जाता है वो ये प्रश्न कर रहा है, तो किस विषय पे, धार्मिक स्थिति पे, राजनीतिक स्थिति पे, वैज्ञानिक विकास पे, या फिर व्यापार और वाणिज्य पे। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है, व्यापार और वाणिज्य पे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में बात करें तो इसके बारे में इसमें जो उल्लेख किया गया वो किया गया सिंधु नदी के जो घाटी, सिंधु नदी से लेकर के, सिंधु नदी के मुहाने से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक के 24 बंदरगाहों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, और वहाँ से किस तरीके से व्यापार होता था, किस तरीके से आपके पश्चिमी देशों के साथ और विभिन्न जो यूरोपीय देश, इन सारे जो व्यापार हुआ करता था उसमें बारे में जो उल्लेख किया गया वो इसी में किया गया, लेकिन इसके हमें लेखक की जानकारी नहीं पता है। नेक्स्ट है हमारा, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जस्ट अभी हमने कुछ दो क्वेश्चन पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो जो अष्टाध्यायी थी वो किसके द्वारा लिखा गया है, वेद व्यास के द्वारा, पाणिनि के द्वारा, सुखदेव के द्वारा, या फिर वाल्मीकि के द्वारा। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है, पाणिनि। पाणिनि जो कि महापद्मनंद के मित्र थे उन्हीं के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना किया गया था। ये एक व्याकरण ग्रंथ है, और इसी पर हमने देखा कि पतंजलि के द्वारा महाभाष्य नामक रचना किया गया था जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पे टीका था, हमने ये चीज़ बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए, ठीक है, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए। तो स्ट्रेटो द्वितीय, स्ट्रेटो प्रथम, डेमेट्रियस, मेनांडर। तो बताइए किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए, जल्दी से बताइए। ये किए थे स्ट्रेटो द्वितीय, ठीक है। चूँकि स्ट्रेटो द्वितीय के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे, और हमने बात किया था कि हिंद यवन शासकों के द्वारा पहले स्वर्ण मुद्रा भी जारी की गई थी सबसे पहले। तो जो सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्रा जारी की गई थी देखा जाए तो वो मेनांडर के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया था। देखिए यहाँ पर डेमेट्रियस का नाम फिर से आ गया, डेमेट्रियस जिससे सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सीमा पर इन्होंने अधिकार किया था, पहले हिंद यवन शासक थे, और स्ट्रेटो द्वितीय के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे, और मेनांडर के द्वारा सर्वाधिक, मेनांडर के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया था,
सोने के सिक्के जारी किए गए थे। और इसी वंश का अगर प्रश्न आए कि हिंद एवं शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किसने किया था, तो वो किया था यूके टाइडीज के द्वारा। ठीक है, यूके टाइडीज के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, किसमें? हिंद एवं शासकों में। बच्चे लोग, आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं ना कि किस शासकों के थे। देखिए, चार जो थे ना, पहले तो हिंद एवं में ध्यान रखिएगा किस शासक ने किया, सर्वाधिक किसने किया। फिर जैसे कुषाण आ जाएगा ना, कुषाणों के समय में किसने सबसे पहले किया और किसने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ना क्लियर करके चला करो, खुद में डाउट जब आप ना थोड़ा ऊपरी चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो क्लियर आपके डाउट रहते हैं। जब थोड़ा इन डेप्थ जा करके तो पढ़ोगे, तो जैसे कि हमने इसी क्वेश्चन की बात किया कि स्ट्रेटो द्वितीय ने तो चूंकि सीसे के सिक्के जारी किया, और प्रश्न जैसे कि आता ही कि किस शासक ने आपके सोने के सिक्के जारी किए थे, तो ये देखिए हिंद यवन शासकों ने। हिंद यवन में भी सबसे पहले किसने जारी किए थे? मेनांडर ने किए थे। हिंद यवन शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? यूकेटाइडीज ने किए थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और देखिए डेमेट्राइटिस के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था कि 183 में किस तरीके से इसने साकल को, यानी कि शालकोट को, अपनी राजधानी बना करके उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अपना शासन स्थापित किया था। पहला हिंद यवन शासक था डेमेट्राइटिस। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा क्लियर करके पढ़ा करो, कभी भी डाउट नहीं फिर होगा। निम्नलिखित हिंद यवन शासकों में से किसके सिक्कों पर शंकरषण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? देखिए यहाँ पे हिंद यवन इसीलिए लिखा है, हिंद यवन शासकों में, ठीक है, शंकरषण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। शंकरषण जो कि बलराम को ही शंकरषण कहा जाता था, और बलराम जो कि वासुदेव के मित्र भाई थे, वासुदेव यानी कि कृष्ण और बलराम, या फिर शंकरषण या वासुदेव दोनों ही अंकित हैं। कौन से वो हिंद यवन शासक है? हुविष्ट, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर अगाथोक्लीस। तो देखिए हमारा आंसर कौन सा है? हमारा आंसर है अगाथोक्लीस। फ्रेंड, अगाथोक्लीस जो थी वो मिनांडर की पत्नी थी। चूँकि मिनांडर की जब मृत्यु हो जाती है, तो मिनांडर जो थे उनकी मृत्यु पर उनका जो पुत्र था वो अल्पवयस्क रहता है, तो उसको गद्दी पर बैठा करके उसकी संरक्षिका के रूप में उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने अगाथोक्लीस ने शासन किया था। ठीक है, किससे? अगाथोक्लीस ने। और इन्हीं के सिक्कों पर हमें शंकरषण और वासुदेव दोनों के चित्र क्या मिलते हैं? अंकित मिलते हैं। ठीक है, तो ये हिंद यवन शासक थी। ठीक है, किसकी पत्नी थी? मिनांडर की ये पत्नी थी, और इन्होंने ही अपने सिक्कों पर शंकरषण और वासुदेव, और ये सिक्का जो था फ्रेंड वो चांदी का सिक्का था, ये भी ध्यान रखिएगा, चांदी के सिक्के पर। और देखिए ये हुविष्क, फ्रेंड हुविष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था, तो और ये इसने भी अपने सिक्कों पर शंकरषण और वासुदेव के दोनों को अंकित करवाया था। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर हिंद यवन शासक आए तो वो अगाथोक्लीस आ जाएगा, और अगर कुषाणों में आए तो हुविष्क के द्वारा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर क्या है, डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये UPPSS प्री 1997 में क्वेश्चन आया था। तो जो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना हमें प्राप्त होता है वो है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से। फ्रेंड जैसा कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसी से हमें काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, और साथ ही साथ संस्कृत भाषा का जो प्रथम अभिलेख था वो भी कौन सा था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। और हमें रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था वो देखा जाए तो सुदर्शन झील से संबंधित हमें जानकारी देता है। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और इससे हमें चार शासकों के बारे में, जिसके चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, फिर उसके बाद अशोक, फिर रुद्रदामन, और जो कि चौथे आपके स्कंदगुप्त, इन चार शासकों से हमें जानकारी मिलती है सुदर्शन झील से संबंधित। और यही जो है, जो काठियावाड़ का जो रुद्रदामन का अभिलेख है, वही क्या है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक में दिया गया है कि शासकों के नाम दिया गया है, और वो शासक किस वंश से संबंधित थे तो वो हमें बताना है। तो देखा जाए सूची वन में, देखा जाए डेमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडफर्निस और फिर विम कटफिशर्स। तो देखा, और ये जो किस वंश से थे? पल्लव थे, कुषाण थे, हिंद यूनानी थे या फिर शासक थे। तो देखा जाए जो हमारा पहला है डेमेट्रियस जो थे वो हमने ऑलरेडी देखा, डेमेट्रियस जो थे वो हिंद यूनानी थे। डेमेट्रियस के ही द्वारा सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सीमा पे अधिकार किया गया था 183 ईस्वी पूर्व के समय, और इन्होंने अपने शाकाल शालकोट को राजधानी बनाई थी। तो देखिए इससे एलिमिनेशन मेथड से तो आपका निकल जाएगा जो हमारा आंसर क्या हो जा रहा है, यहीं से हमें आंसर अपना मिल गया। ठीक है,
एलिमिनेशन मेथड बार बार मैं बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, एक ही दो क्वेश्चन पढ़ो फिर इससे पूरे आंसर निकल जाते हैं, है ना। इससे आपका वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में ना समय बचता है, क्योंकि अब हम लोग क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करना है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो ना तो आपको देखो यहीं से आंसर मिल गया, तो तुरंत आप एक दो फिर चेक करके अपना आगे बढ़ जाया करो। डेमेट्रियस रुद्रदामन की अपने हमने बात किया फ्रेंड, रुद्रदामन जो था वो आपका सक शासक था, जिसका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, ठीक है। गोंड फडनिस फ्रेंड ये पल्लव शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट ये था गोंड फडनिस। गोंड फडनिस के समय में ईसाई मशीनरी के द्वारा भारत में देखा जाए पहली बार जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया गया था वो आया था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सेंट लुइस कुछ ऐसे ही थे, तो गोंड फडनिस थे। और विम कटफिशर्स जो थे वो कुषाण शासक थे, ठीक है, विम कटफिशर्स। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये देखिए UPRO मेंस 2017 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए जाने का श्रेय जाता है। ये जितने भी नाम दिए ना फ्रेंड कुषाण शासकों के हैं, फिर कंफ्यूज मत होना कि तुरंत बातें, अरे मैम सोने के सिक्के तो सबसे पहले आपका हिंद यवन शासकों ने, बिल्कुल हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन हिंद यवन शासकों में मिनांडर ने सबसे पहले जारी किए थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो हमें कुषाणों के अकॉर्डिंग हमें जानकारी देनी है, तो देखा जाए तो कुषाणों ने देखे सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, और उसमें से भी कुषाणों में भी सर्वप्रथम जो सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है, सर्वप्रथम वो किसे जाता है सोने के सिक्के जारी करने का, कुजुर कटफिशर्स को, विम कटफिशर्स को, कनिष्क प्रथम को, खुविष्क को। तो देखिए ये यूपी पीसेस में 2009 में ये क्वेश्चन आया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से, ये है विम कटफिशर्स। फ्रेंड विम कटफिशर्स ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण शासकों में, और कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे, और कुषाण शासकों में जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो कनिष्क प्रथम के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, और कनिष्क प्रथम ने ही सबसे पहले उत्तर पश्चिम वाले सीमा पे तांबे के जो सर्वप्रथम ना कहें सर्वाधिक जो थे सर्वाधिक तांबे के सिक्के जो जारी किए थे वो उत्तर उत्तरी पश्चिम वाले सीमा पे सर्वाधिक जो तांबे के सिक्के जारी किए जाने का श्रेय किसको जाता है, कनिष्क को जाता है। तो देखें यहीं से आप समझ लीजिएगा सारी चीज़ों को कि विम कटफिशर्स के द्वारा प्रथम कुषाण शासक विम कटफिशर्स ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण शासकों में देखा जाए तो कनिष्क, और ये भी ध्यान रखिएगा शुद्ध सोने के सिक्के, क्योंकि गुप्तास से आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखा जाए जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे वो आपके कुषाणों ने जारी किए थे, और सर्वाधिक सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो गुप्ता में जारी होंगे, ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त लोगों में। और कुषाणों में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किया था वो विम कटफिशर्स ने जारी किया था, और सर्वाधिक जो सिक्के जारी किया था वो कनिष्क के द्वारा किया गया था। हुविष्क के द्वारा बात करें फ्रेंड, हुविष्क ने चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के जारी किए, और साथ ही साथ इन्होंने जो सर्वाधिक संख्या में इनके सिक्कों पे सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं के जो अंकन मिलते हैं वो हमें हुविष्क के सिक्कों पे मिलते हैं। तो ये भी हमने बात किया था कि सर्वाधिक अगर प्रश्न है कि किस शासक के सिक्कों पे सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं के अंकन मिलते हैं तो हुविष्क के, और इसी हुविष्क के सिक्कों पे भी हमने वासुदेव और संकर्षण के भी अंकन का हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, मैं बिल्कुल उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको क्लियर होगा। एक और बसता है यहाँ पे कुजुल कटफिशर्स ने फ्रेंड, जो आपका कुजुल कटफिशर्स ने द्विलिपि जो थे सिक्के जारी किए थे, और ये जो द्विलिपि जो तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किए थे जिन पे हमें यूनानी के साथ साथ खरोष्ठी लिपि का अंकन मिलता है कुजुल कटफिशर्स के सिक्कों पर। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही मतलब अच्छे से बताने की मैंने कोशिश किया है। और फ्रेंड अगर आप लोग ऊपरी पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके डाउट ऐसे ही बने रहेंगे, इसीलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड क्लास करोगे, क्लास करो तो चीज़ें आपको वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा योद्धेय के सिक्कों पर, योद्धेय एक जनजाति थी, योद्धेय के सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है, वासुदेव का, मित्र का, इंद्र का, कार्तिकेय का। तो देखा जाए हमारा जो आंसर है वो क्या है, कार्तिकेय। योद्धेय फ्रेंड जो थे, योद्धेय जो जनजातियां थी वो देखा जाए तो आपका ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है, दक्षिण जो आपका पंजाब का क्षेत्र है उसी में ये रहा करती थी, दक्षिणी पूर्वी पंजाब का क्षेत्र और राजस्थान के बीच वाले क्षेत्र में ये रहा करती थी। और इनके जो जानकारी का हमें स्रोत मिलता है वो जो बात करें तो वो पुराणों में अष्टाध्यायी में इनसे हमें जानकारी के स्रोत मिलते हैं, जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में इनको योद्धे जनजाति को आयुद्धजीवी कहा गया है। आयुद्धजीवी समझ रहे हैं, आयुद्धजीवी मतलब होता है जो
जिनका जीवन जो है ना युद्धों पे, जो जीवन के युद्धों पे जो जीवन अपना यापन करते हैं उन्हीं को आयुद्धजीवी कहा गया है। और ये पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में इनको कहा है और इन्हीं से हमें जानकारी भी मिलती है, इन्हीं पुराणों से, अष्टाध्यायी से और साथ ही साथ बृहत संहिता से भी हमें जानकारी मिलती है। और कार्तिकेय जो थे इनके, कार्तिकेय देवता जो कि इनका अंकन हमें युद्ध के सिक्कों पर मिलता है। और ये कहाँ पे थे? दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान वाले क्षेत्र में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का क्षेत्र, पहला क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 21 मार्च अथवा 30 मार्च, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 22 मार्च, और अगर लीप ईयर हो जाता तो वो क्या हो जाता आपका 21 मार्च, 21 मार्च जो हो जाता ये इसका लीप ईयर हो जाएगा। और फ्रेंड जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो वर्तमान जो जो तिथि होती, वर्तमान तिथि और वर्ष जो निर्धारित किया जाता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। और उसी में जो हमारा जो जो पहला चैत्र जो होता है, जो पहला जो चैत्र माह की जो शुरुआत होती है वो 22 मार्च से की जाती है, और अगर लीप ईयर हो जाता है तो वो 21 मार्च माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? कनिष्क का फ्रेंड रबतक अभिलेख था जो अफगानिस्तान के देखा जाए तो सुर्ख कोटल से हमें मिला था, सुर्ख कोटला जो स्थान है उसी के आसपास ये अभिलेख स्थित है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो जो ये रबतक अभिलेख है उसमें हमें देखा जाए कनिष्क के द्वारा ये लिखा अभिलेख का उत्कृत करवाया गया था, और उसमें हमें भारत के कुछ नगरों के बारे में उल्लेख किया गया है। लगभग जो कनिष्क के रबतक अभिलेख में 6 नगरों का उल्लेख किया गया, उसमें से यहाँ पे कुछ नगरों के नाम दिए हैं। तो देखा जाए कौन कौन, इसमें पूछा है कौन सा वो नगर नहीं था, तो श्रावस्ती नहीं था, कौशाम्बी नहीं था, पाटलिपुत्र नहीं था, चंपा नहीं था। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है, श्रावस्ती। फ्रेंड जैसा कि कनिष्क के रबतक अभिलेख में भारत के 6 नगरों के बारे में दिया गया है, उन 6 नगरों में देखा जाए कौशाम्बी था, पाटलिपुत्र था, चंपा था, और साथ ही साथ साकेत, उज्जैन और आपका कौंडिल्य। ठीक है, साकेत, उज्जैन और कौंडिल्य, कौन कौन सा? कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा, साकेत, उज्जैन और कौंडिल्य, ये 6 नगरों के बारे में बात किया गया। और बात करें जो फ्रेंड कनिष्क के रबतक अभिलेख जो है वो, इससे हमें कुषाण शासकों के वंशावलियों का जो हमें प्रमाण मिलता है वो भी हमें कनिष्क के रबतक अभिलेख से मिलता है। और ये रबतक अभिलेख हमें अफगानिस्तान के जो अफगानिस्तान में जो सुर्ख कोटल नामक स्थान से हमें ये प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? पुष्यमित्र सुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, और किससे हमें ये जानकारी मिलती है, किस अभिलेख से? सारनाथ के लेख से, बेसनगर के लेख से, अयोध्या लेख से, हाथी गुम्फा लेख से। ये UPPCS प्री 2018 में क्वेश्चन आया था, रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था। तो ये हमें जो जानकारी मिलती है वो अयोध्या लेख से मिलती है। अयोध्या लेख फ्रेंड जो पुष्यमित्र सुंग के जो गवर्नर थे, अयोध्या के गवर्नर थे जिनका नाम धनदेव था, तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और इस अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे फ्रेंड? इस अश्वमेध जो यज्ञ के पुरोहित थे वो थे आपके पतंजलि। पतंजलि जो योग की योग दर्शन के संस्थापक, उन्होंने ही ये दोनों अश्वमेध का उन्होंने पुरोहित थे वो। और इसकी जानकारी हमें धनदेव जो कि पुष्यमित्र सुंग का अयोध्या का गवर्नर था, और उसी के अभिलेख जो कि अयोध्या अभिलेख है उसी से हमें जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ठीक है, चूंकि मौर्यों के बाद हम देखते हैं कि शुंग वंश आते हैं, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या करके, उन्हीं के सेनापति ने पुष्यमित्र सुंग ने उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। तो पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश का संस्थापक था, और इसके बाद जो वंश आया था वो कौन था भारत में? सातवाहन था, कुषाण था, कर्णव था, कर्व था या फिर गुप्त था? तो देखा जाए हमारा आंसर हो जाएगा कर्ण। ठीक है, कर्ण वंश था। तो यानी जो शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और देवभूति की भी हत्या उसी के अमात्य के द्वारा कर दिया गया था, जिसका नाम क्या था? वासुदेव। तो वासुदेव के द्वारा देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना किया गया था।
फ्रेंड कर्ण वंश के बाद क्या जाता है, कर्ण वंश के बाद देखा जाए तो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा, उसकी हत्या सिमुक के द्वारा कर दी गई थी और सिमुक के द्वारा क्या गया था, सातवाहन वंश की स्थापना किया गया था। सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु वंश, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं सिक्वेंस में, सुंग वंश के बाद कर्ण वंश के बाद सातवाहन के बाद क्या आता है, इक्ष्वाकु वंश। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति की हत्या उसी के अमात्य वासुदेव द्वारा करके कर्ण वंश की स्थापना कर दी गई। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा, जिसकी हत्या सिमुक के द्वारा करके सातवाहन वंश की स्थापना किया गया। और सातवाहन वंश के बाद कौन सा आता है फ्रेंड शासक, इक्ष्वाकुओं का आता है, ठीक है। तो ये सिक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, किनका था दक्षिण भारत में, सातवाहन का, पल्लव का, चोल का, चालुक्य का। तो देखा जाए जो मौर्यों के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था वो था सातवाहन का। सातवाहन सिमुक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो दक्षिण और उत्तर भारत के जो कड़ी के रूप में जो होता है, कार्य करता है, वो कौन था, सातवाहन। और हमने देखा था सबसे जो भूमि दान देने की प्रथा शुरू किया गया था सातवाहनों के द्वारा किया गया था। और सातवाहन शासक जो सप्तपर्णी प्रथम की जो रानी थी जिनका नाम था नागानिका, उनके नानाघाट अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि सातवाहनों ने सर्वप्रथम भूमि अनुदान की प्रथा चलाई थी और सर्वाधिक जो भूमि अनुदान दिया गया था वो गुप्त शासकों के द्वारा गया था। तो गुप्त काल में सर्वाधिक भूमि अनुदान दिया गया था, ठीक है, ब्राह्मणों को। तो ये था हमारा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया, ठीक है, किस चीनी जनरल ने, पान चाओ ने, पान यांग ने, शी हुआंग टी ने, होटी ने। ये झारखंड पीसेस प्री 2003 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। ये माना जाता है पान चाओ ने कनिष्क को हराया था। पान चाओ जो था उस समय वहाँ का चीनी जनरल हुआ करता था। और ऐसा माना जाता था कि कनिष्क के वहाँ पे जो हान राजकुमारी थी, कनिष्क ने उनसे विवाह का प्रस्ताव वहाँ पे भेजा था और पान चाओ के द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता था, जिससे कनिष्क जो था वो आक्रोशित होकर के इनके साम्राज्य पे आक्रमण कर देता है। चूंकि वो असफल होता है, उस युद्ध में हार जाता है, तो पान चाओ के द्वारा इनको हराया गया था, हार का सामना किया गया था पान चाओ के द्वारा। और वो हान राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव का पूरा मुद्दा था, ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों के द्वारा ऐसा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में। तो जो बाल विवाह की प्रथा का प्रारंभ हुआ था वो कुषाण काल में किया गया था, पहली शताब्दी में, इसका जो प्रथम शताब्दी में बाल विवाह का प्रारंभ किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि उसी समय जो स्त्रियों का जो उपनयन संस्कार को बंद कर दिया गया। फ्रेंड उपनयन संस्कार के बाद ही आप शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, तो उस संस्कार को बंद कर दिया गया, जिसके वजह से इतना बाल विवाह और के इनके जो महिलाओं की स्थिति वो काफ़ी क्षीण होने लगी थी, काफ़ी गिरने लगी थी। चूँकि अल्प आयु में जब आप विवाह कर दिए जाते तो आपके मानसिक जो है ना मानसिक विकास भी नहीं होता, शारीरिक विकास भी नहीं होता, इससे महिलाओं की स्थिति समाज में गिरने लगती है। और उस समय जो बाल विवाह की उम्र जो घोषित की गई थी, जो विवाह होता था वो 8 से 10 वर्ष की आयु के बालिकाओं का विवाह उस समय कर दिया जाता था। तो कुषाण काल में बाल विवाह का प्रचलन जो था हमें आरंभ देखने को मिलता है, प्रारंभ। नेक्स्ट है हमारा, गांधार की कला शैली निम्न समय में फली फूली, यानी कि किन शासकों के समय में जो गांधार कला थी वो फली फूली। तो कुषाणों के समय में, गुप्त के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में। फ्रेंड कला की जो हम बात करें तो कला की एक गांधार शैली थी और एक आपका मथुरा शैली थी। तो इन दोनों ही शैलियों का जो हमें देखते हैं कि प्रचलन देखने को मिलता है या विकास देखने को मिलता है, वो कुषाणों के समय देखने को मिलता है। जैसा कि हम गांधार शैली की बात करें तो ये यूनानी कला और भारतीय कला, हिंदुस्तानी कला का मिश्रण थी, यानी भारतीय कला की और यूनानी कला जो कि हेलेनिस्टिक कला और भारतीय कला के मिश्रण को ही हम गांधार शैली कहते हैं। और जो सर्वाधिक जो मूर्तियां हमें बुद्ध की मिलती हैं वो गांधार शैली में मिलती हैं। और गांधार शैली में ना काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है मूर्ति निर्माण में, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि गांधार शैली में जो बुद्ध की मूर्ति किस रंग में है, तो काले रंग में है, क्योंकि गांधार शैली में जो काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था मूर्तियों को बनाने में। और मथुरा कला की बात करें, मथुरा शैली की फ्रेंड, तो मथुरा शैली पूर्ण रूपेण से ये पूरी तरह से भारतीय शैली है और उसमें लाल रंग के मिट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था प्रतिमाओं को बनाने में। जो प्रथम प्रतिमा बनाई गई थी वो बुद्ध की, वो मथुरा शैली में ही बनाई गई थी। और ये दोनों ही कलाएँ जो थी वो कुषाण समय में काफ़ी फली फूली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, सूची 1 को सूची 2 से हमें
देखना है कि कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। एक में सूची में राजवंश दिया, दूसरे में धातुओं मतलब सिक्कों के धातुओं, किन धातुओं को उन्होंने सिक्के जारी किए थे ये पूछा है। तो देखा जाए कुषाणों के द्वारा स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्तों के द्वारा स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन के द्वारा स्वर्ण, कलचुरी के द्वारा स्वर्ण रजत ताम्र। तो देखा जाए हमारा आंसर जो है वो सातवाहन जो है वो स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए थे। फ्रेंड सातवाहन के द्वारा देखा जाए प्रोटीन के सिक्के स्वर्ण के सिक्के जारी नहीं किए गए थे। इनके द्वारा देखा जाए जो सातवाहनों के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे वो किया गया था प्रोटीन के सिक्के जारी किए गए थे सातवाहनों के द्वारा। और इसी के साथ साथ इन्होंने जो तांबे के सिक्के चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए थे किसके किन्होंने सातवाहनों के द्वारा। और सर्वप्रथम जो शीशे के सिक्के जारी किए गए थे सातवाहनों ने ही जारी किए गए थे भारत में। तो सातवाहनों के द्वारा देखा जाए तो स्वर्ण सिक्के नहीं जारी किए गए थे, शीशे के सिक्के, तांबे के सिक्के, प्रोटीन के सिक्के, इन सब सिक्के जो है सातवाहनों के द्वारा जारी किए गए थे। स्वर्ण सिक्के देखा जाए तो यहाँ पे कुषाण स्वर्ण और ताम्र के सिक्के कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। सर्वाधिक जो तांबे के सिक्के उत्तर उत्तरी पश्चिमी सीमा में कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। गुप्तों के द्वारा स्वर्ण और रजत सिक्के जारी किए गए थे और कलचुरियों के द्वारा स्वर्ण रजत और ताम्र सिक्के जारी किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम के हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकरण हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो देखा जाए हमारा जो अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है वो बुद्ध प्रतिमा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसको तालिबानियों के द्वारा इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर देने के कारण ये न्यूज़ में था, चर्चा में था, इसीलिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमाओं के लिए और जो कि तालिबानियों के द्वारा नष्ट कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित शस्त्रित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो किसमें सदैव हरित शस्त्रित चट्टान का प्रयोग होता है? मौर्य मूर्ति में, मथुरा मूर्ति में, भरहुत मूर्ति में, गांधार मूर्ति में। तो हमारा आंसर क्या होगा, गांधार मूर्ति कला में शिष्ट का प्रयोग किया जाता है हमेशा, हरि शिष्ट का यानी कि हरि शस्त्रित चट्टानों का प्रयोग गांधार मूर्ति कला में किया जाता है। ये ISP 1996 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? जो सबसे पहले जो प्राचीन भारत में जो विभिन्न विदेशी आक्रमण हुए उसमें जो सबसे पहले जो सही कौन सा है, यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण, शक कुषाण यूनानी। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या है, यूनानियों के द्वारा सबसे पहले देखा जाए तो सिकंदर के द्वारा 1326 ईस्वी पूर्व के समय सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था। फिर उसके बाद शकों का आक्रमण होता है जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय शकों का, फिर उसके बाद कुषाणों का पहली शताब्दी में किया जाता है। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, यूनानी शक कुषाण, ये हमारा सही कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखा जाए कौन सा था पहले अधीन कर लिया, साइरस, कैम्बिसियस, डेरेसियस प्रथम, सहार्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, जो पहला ईरानी शासक, ये भी ध्यान रखिएगा, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया वो था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम जिसे हम दारा प्रथम के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो साइरस का उत्तराधिकारी था, ठीक है। चूंकि इसने सफल आक्रमण किया था, इसके पहले भी ईरानियों का आक्रमण हुआ था लेकिन पहला जो सफल ईरानी आक्रमण हुआ था वो डेरियस प्रथम के समय में हुआ था। दारा प्रथम ने सबसे पहला जो था वो ईरानी आक्रमण किया था और ये उत्तर पश्चिमी सीमा वाले प्रांत में, जैसे कि आपका सिंध और पंजाब के बीच वाले क्षेत्र पे इसने अपना अधिकार कर लिया था और इसने उस क्षेत्र को अपना 20वां प्रांत बनाया था। अपने राज्य का जो 20वां प्रांत बनाया था ये पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र को बनाया था। और यहाँ से इसको देखा जाए तो 360 टैलेंट, ठीक है, स्वर्ण राजस्व को इसको यहाँ से प्राप्ति होती थी, ठीक है, स्वर्ण राजस्व की इसको प्राप्ति होती थी। और फ्रेंड जो इन सब जानकारी का हमें जो प्रमाण मिलता है, इन सब जानकारी का जो स्रोत था वो डेरियस प्रथम के 3 अभिलेख थे, उसी से हमको इन सब के बारे में जानकारी मिलती है कि इसने कौन सा अपना 20वां प्रांत बनाया, उसको कितना यहाँ से राजस्व की प्राप्ति होती थी। और वो 3 जो अभिलेख है वो है बहिस्तुन के अभिलेख,
दूसरा आपका पेरिपुलस अभिलेख और तीसरा आपका नक्शे रुस्तम अभिलेख। इन तीनों अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। एक बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि अशोक ने जो अपने स्तंभ लगवाने और उन पर जो अभिलेख लिखवाने की जो प्रेरणा प्राप्त की थी वो इसी डेरियस प्रथम से प्राप्त किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न है कि अशोक के द्वारा जो अभिलेख और जो स्तंभ लगवाने का जो प्रचलन प्रारंभ किया गया था वो किससे प्रेरित होकर के उन्होंने किया था, वो था डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम का जो हमें समय देख लें तो डेरियस प्रथम का जो समय था वो 522 से लेकर के लगभग 486 माना जाता है। और इसी में 510 में इन्होंने 510 ईस्वी पूर्व में इन्होंने भारत के पश्चिम उत्तर प्रांत में आक्रमण किया था और वहाँ के क्षेत्र को जीत करके अपना 20वां प्रांत बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का रक्षक, ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सत्कर्णी या फिर सुशर्मन के लिए। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो गया, गौतमी पुत्र सत्कर्णी के लिए हमें एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया। और ये किस में किया गया है? नासिक अभिलेख में किया गया है, जो कि गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है, उसी में इनको एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और गौतमी पुत्र सत्कर्णी को ये फ्रेंड एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है आगमन निल्य, ठीक है, आगमन निल, यानी कि वेदों का आश्रय, ठीक है, वेदों का आश्रय किसे कहा गया है? गौतमी सत्कर्णी को कहा गया है, किसे, यानी कि आगमन निल्य, ठीक है। ये सब जानकारी किससे मिल रही है हमें? नासिक अभिलेख से, गौतमी बलश्री जो कि इनकी माता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूंकि एक तरफ राजवंश दिया है दूसरी तरफ उसकी राजधानी दिया है, हमें मैच करना है। तो देखा जाए जो राजवंश है, सुंगवंश है, सातवाहन है, कदंब है, चंदेल है, राजधानी देखिए महोबा, बनवासी, पैठन, पाटलिपुत्र। तो देखा जाए हमारा पहला जो सुंगवंश की राजधानी क्या थी, वो आपकी थी पाटलिपुत्र। एलिमिनेट कर दीजिए, सी और डी निकाल दीजिए, ठीक है, एलिमिनेशन से एलिमिनेशन मेथड फ्रेंड आपको आना चाहिए, है ना। सातवाहनों की बात करें तो सातवाहनों की जो राजधानी थी फ्रेंड, जो सातवाहन थे वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पहले थे और शकों के द्वारा, चूंकि इनको बार बार ये शकों से ये बार बार पराजित होते हैं, तो उनसे बचने के कारण ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को छोड़ करके आंध्रा वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इनकी जो राजधानी थी उस समय देखा जाए तो वो पैठन थी, जिसको प्रतिष्ठान के नाम से जानते हैं, तो पैठन। तो देखा जाए हमारा आंसर यहाँ से भी निकल गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है, क्योंकि 4 और 3। अब कदम की बात कर लेते, कदम की बनवासी थी और आपकी चंदेलों की जो राजधानी थी वो देखा जाए महोबा थी, ठीक है। सुंगवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, सातवाहनों की सिमुक के द्वारा, चंदेल वंश जो फ्रेंड चंदेल की बात करें तो 881 ईस्वी में इसकी जो स्थापना किया गया था वो नन्नुक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, नन्नुक के द्वारा जो थी चंदेलों की स्थापना किया गया था। और ये बात करें तो ये जो आपका जो ये क्षेत्र था फ्रेंड, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, ये चंदेलों के क्षेत्र था और इन्हीं के द्वारा देखा खजुराहो वाले मंदिर वगैरह का जो निर्माण किया गया था चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैच द फॉलोइंग, एक तरफ अभिलेख दिया है और वो अभिलेख किस शासक से संबंधित है वो दिया हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले में दिया है हमें नासिक, हतिकुंफा, भीतरी, गिरना और दूसरे में गौतमी पुत्र, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय और फिर रुद्रदामन। तो देखा जाए पहला जो है नासिक का जो अभिलेख है वो गौतमी पुत्र, ठीक है, गौतमी बलश्री, ये पहला सही है। खारवेल का हाथीगुंफा अभिलेख, ये भी सही है। भीतरी अभिलेख फ्रेंड पुलकेशिन द्वितीय का नहीं, ये हमारा गलत है। भीतरी अभिलेख फ्रेंड जो है स्कंद गुप्त का अभिलेख है, जो कि गुप्त शासक है। भीतरी अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जिले से हमें प्राप्त होता है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा आंसर नहीं। ये कौन सा आपका भीतरी अभिलेख है? वो स्कंद गुप्त का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गिरनार का रुद्रदामन अभिलेख, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, जो कि भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, स्कंद गुप्त का है। नेक्स्ट पे पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था, ठीक है। तो जस्टिनियन का जो योगदान था वो किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में था, स्थापत्य कला के क्षेत्र में था, विज्ञान के क्षेत्र में था या फिर साहित्य के क्षेत्र में था। तो जो आपके जो शासक हैं जिनका नाम है आपका जस्टिनियन, उनका जो योगदान था वो था विधि या न्याय के क्षेत्र में इनका सर्वाधिक योगदान था। और इन्हीं के द्वारा देखा जाए तो रोमन कानून को संपूर्ण रूप से इन्होंने संशोधन करने का जो उत्तरदायित्व, जो उत्तरदायी माना जाता है, जो रोमन कानून को जो संपूर्ण रूप से जो संशोधन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? जस्टिनियन के द्वारा किया गया था। तो इनका जो सर्वाधिक योगदान हमें देखने को मिलता है विधि या न्याय के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? हमने ऑलरेडी बताया था
कि इसके हमें लेखक के बारे में नहीं पता है, तो चूंकि इसमें जो ऑप्शन दिया है टेसियस है, प्लीनी, टॉलमी, स्ट्रैबो, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक थे। हमारा आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन से जिसे हमें व्यापार और वाणिज्य की जानकारी मिलती है, उसके हमें लेखक के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा आज का सेशन था। हमने देखा कि किस तरीके से मौर्योत्तर काल से जुड़े हुए जितने भी अभी तक क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जहाँ जहाँ आपके डाउट क्रिएट होते हैं, हमने उसको भी देखा और पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो। चूँकि ये थोड़ा सा चैप्टर भी डाउटफुल है, विभिन्न विभिन्न शासक हैं उनके द्वारा नए नए प्रयोग किए गए हैं, खासकर मुद्राओं के क्षेत्र में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी फ्रेंड, हमने इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से बेनिफिट मिले। तो फिर फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।